राजस्थान में भी किसान आंदोलन का असर मिला जुला देखने को मिला। बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर की करें तो यहां भी ग्रामीण इलाकों में बंद का खासा असर दिखा, लेकिन शहरी इलाके में असर कम दिखा। किसान के इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए कर्मचारी नेता भी आंदोलन में कूद पड़े। पिछले भाजपा सरकार से कर्मचारी काफी नाराज चल रहे थे और पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने की मांग को लेकर अपना आंदोलन पिछले लंबे समय से चला रहे थे। किसान के इस आंदोलन में लगे हाथ कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन कर डाला। शहर के सबसे व्यस्तम नई सड़क चौराहे पर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पहले तो इन कर्मचारियों ने सड़क पर लेट गए, फिर सड़क के बल क्रॉलिंग की यानी घुटनों के बल चले प्रदर्शन किया। अचानक कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को देखने के लिए सड़क से निकल रहे लोग भी रुक पड़े और कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को देखने लगे। कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना बंद करने से उनके हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, उनका पैसा उद्योगपतियों के खाते में जा रहा है। किसानों के ज्योति देश के खिलाफ पूरे भारत के अंदर किसान संघों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, क्योंकि कर्मचारी महासंघ भी पिछले 10 साल से एनपीएस बंद करने, पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए संघर्षरत है, लेकिन हमारी मांग कुछ भी सुन नहीं रही है। इसलिए राजस्थान में पूरे भारत का कर्मचारी भी इस जोधपुर बंद के आह्वान, राजस्थान बंद के और हिंदुस्तान बंद के आह्वान के अंदर कर्मचारी शामिल हुआ और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल करो और ये ओपीएस सिस्टम बंद करो। ये जो हमारा पैसा है वो बाजार के अंदर पूंजीपतियों के कंपनियों के अंदर जा रहा है और न कि इससे हमारा पेंशन रूपी जो हमारा बुढ़ापे का सहारा है वो खत्म हो रहा है और टूट रहा है, जिससे आज 10 साल से संघर्ष कर्मचारी आज बंद में आह्वान है और भविष्य के अंदर भी जब जब मूवमेंट होगा हमारा कर्मचारी आगे रहेगा।